ऐसे क्या देख रहे हो? वो चेंज तलाश कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें महसूस किया है। कैसा चेंज? जिसकी वजह से मैंने तुम्हें फोर्स किया मिलने के लिए। फोर्स? शहर में, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे फोर्स कर सके। तुमने मुझे बुलाया, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मैं तुमसे मिलने आई, अच्छा लगा। तो क्या तुम्हारे दिल में भी वही फीलिंग्स हैं जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए हैं? कैसी फीलिंग्स? छोड़ो, तुम्हें इसके साथ कुछ और चाहिए? मैं और नहीं, एक मिनट, तुम मुझसे जो कहना चाहते हो प्लीज साफ साफ कह दो। एक्चुअली कल रात बाबा ने मुझसे कुछ बात की है, तो वो डिस्कस करने के लिए मैंने तुम्हें बुला लिया। कौन सी बात? बाबा मेरा रिश्ता तय करना चाहते हैं। That's nice. पूरी बात तो सुन लो। सुन रही हूँ, बोलो। वो फरवा से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। फरवा, she's a very nice girl, और तुम लोग की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी यूनिवर्सिटी में, I remember. So she's a nice girl. लेकिन इतने अरसे में मैंने फरवा के लिए वो फील नहीं किया जो ये दो चार दिन में तुम्हारे लिए किया है। मतलब? मतलब ये कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किस खुशी में भूपो? कोई गुड न्यूज है हमजा की? इंशाल्लाह मेरा रब वो दिन भी दिखाएगा। इंतजार कर रही हूँ, हमजा और सोनिया के बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊंगी। आमीन सुम्मा आमीन, क्यों नहीं आरफा बहन। भाई जिस तरह से हमजा की तुमने परवरिश की है ना, पूरा हक बनता है कि उसके बच्चे गोद खिलाओ। ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे। चिनी चाय लेकर आओ ना। जी नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, घर पे चाय बनाकर आई हूँ। मैंने सोचा कि ये दो चार घरों में मिठाई दे दूँ, उसके बाद जब किचन में जाऊंगी तो फिर तो जोहर के बाद ही निकलूंगी ना। क्यों भाई, बहू काम नहीं करती किचन का? नहीं माशाल्लाह बड़ा हाथ बटाती है, बल्कि अब तो सारा काम वही करती है। किचन में हम साथ होते हैं, बातचीत भी चलती है, अच्छी है। ये तो बताओ मिठाई किस खुशी में बांटती फिर रही हो? मुझे देखो भूल ही गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमजा को गाड़ी ऑफिस से मिली है। कुछ देर तनख्वाह से किस्तें कट जाएंगी और फिर ये गाड़ी उसकी अपनी हो जाएगी। बहुत बहुत मुबारक, बड़े नसीबों वाली है तुम्हारी बहू। आते साथ ही हमजा की तरक्की हो गई, अब गाड़ी मिल गई। सच कहते हैं कि रिज्क औरत के नसीब से मिलता है, और नसीब वाली औरत भी कोई कोई होती है। अज़रा हमारे बड़ों ने तो हमेशा यही कहा है कि जितनी मेहनत करोगी उतना ही रिस्क मिलेगा, और जितना तकदीर में होता है उतना ही मिलता है। अच्छा मुझे जुगनू की बताओ, आ जा नहीं रही? मनमोजी सी है। मैंने तो कुछ और सुना है। क्या? मैंने सुना है कि फरहान ने जुगनू का यहाँ आना जाना बंद किया हुआ है।
खाला की तरफ जाएंगे ना मिठाई लेके, तो आप उनसे एक बात जरूर कीजिएगा, मुझे जुगनू की कॉल आई थी, वो बहुत रो रही थी, वो कह रही थी कि फरहान भाई ने उसके घर आने पर पाबंदी लगा दी है और वो अपनी माँ से भी नहीं मिल सकती, आप ये बात उनसे ज़रूर कीजिएगा। पप्पो आप जुगनू झूठ तो नहीं बोलेगी ना मुझसे, बहरहाल आप खाला से बात जरूर कर लीजिए। ये लड़की हमजा का पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक मैं इसको सबक नहीं सिखाऊंगी इसको नहीं समझ आएगा, मगर कैसे? हमजा, मैं ताल्लुक में खयानत के कायल नहीं हूं। तुम इसी फोन से जुगनू को कॉल करते हो और इसी फोन से उसकी कॉल रिसीव करते हो और मेरे सामने एक जिम्मेदार शौहर होने का सबूत दे रहे हो।